लड़की रहे हो तुम, लड़की रहो ये बताओ। यहाँ से जयपुर बहुत ही सुंदर दिखता है। ये रे, ये रे, मुझे हेलो फैमिली, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज आ गया हूँ न्यू वीडियो के साथ। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं जयपुर राजस्थान हूँ और हम रात गए थे नारगढ़ किला। नारगढ़ किला रात बंद हो चुका था क्योंकि हम 10 बजे गए थे और वहाँ पे एंट्री 5 बजे के बाद बंद है क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक रास्ता है, मतलब बहुत जंगली जंगल है और वो जंगलों के बीच बना हुआ है एकदम पहाड़ों पे। और वहाँ पे 2 पुलिस वाले थे, उन्होंने मना कर दिया, एंट्री नहीं दिया हमें, हमें वापस भेज दिया। फिर हम चले गए स्टैचू सर्कल, वहाँ पे कॉफ़ी वगैरह पी और हम आ गए। अभी मैं उठाऊँ सुबह के 10 बजे, मैं ब्रेकफास्ट करूँगा, फिर रेडी होऊँगा, फिर हम जाएंगे नारगढ़ किला क्योंकि रात तो हम घूम नहीं पाए। तो अब जाएंगे, फिर मैं आपसे मिलता हूँ रेडी होने के बाद। मुझे भी ले लो ब्लॉगर, निकलो यहाँ से। मैं आधे घंटे में रेडी होके आ गया था और ये 2 घंटे बाद रेडी होके आए, मैं ये 3 घंटे बाद, और ये मेरे साथ ही रेडी होके आ गया था। पूरा दिन निकल गया गाइस, अब हम होटल से चेकआउट कर रहे हैं, फिर हम जाएंगे नारगढ़ किला, वहाँ आज घूमेंगे। यार धूप बहुत है, ये क्या था, फोकस नहीं लग रहा। हाँ तो अभी हम जाएंगे, देखते हैं वहाँ पे कैसा है नारगढ़ किला। मतलब सबने तारीफ किया है, अभी हम जाके देखेंगे कैसा है कैसा नहीं है। एप्पल गलती से बोल दिया, एप्पल ने 2 बार बोला है। हाँ, तो मैं इतना सुपर कूल बनने की कोशिश करेंगे, एक वर्ड में वो हो गया आगे पीछे और उसमें एक बार ने 2 बार। तो लड़की रहे हो तुम, लड़की रहो ये बताओ, फेवरेट आइसक्रीम लड़की रहा है, मेन पॉइंट बताओ मुझे। और गाइस आपको एक चीज, आपको एक चीज नहीं पता, फेवरेट आइसक्रीम का नाम तक नहीं पता। एक एप्पल थंडर पसंद है मुझे, एक न्यू थी थंडर स्टिक, वो मुझे बहुत कंफ्यूजन थी क्योंकि दोनों वर्ड में थंडर आता है। अच्छा ठीक है, तो दिस वाज द कंफ्यूजन। और इसमें कूल बन रहा है कि मैं बोलता मुझे मेरा आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। हाँ एप्पल थंडर जो उस दिन खाई थी, माइंड में क्या याद रहता है कि हाँ ये, और उस दिन भी जब हम दोबारा लेने गए ना तब भी, अभी हमने एप्पल थंडर खाई है। गाइस ये सहना पड़ता है, कुणाल भाई बहुत सहते हैं इसको। अच्छा भाई, रियल स्ट्रगल देखो आप, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी नहीं जा रही आगे क्योंकि पार्किंग फुल है, तो यहाँ पे हमें उतार दिया, यहाँ इधर हमने पार्किंग लगाई है। अब हमें थोड़ा दूर लग रहा है यार, एक तो धूप पड़ेगा हमें, एक तो धूप, ऊपर से पैदल तेज धूप है भाई, यार बहुत धूप, आप देख सकते हो कितना धूप है। कुणाल भाई ने अपना दिमाग लगाया है, ऑटो वाले से बात कर रहे हैं क्योंकि यार बहुत धूप है, कैसे जाएंगे। पास में है यार धूप, पास तो ठीक है लेकिन धूप बहुत है। अब धूप तो सहनी पड़ेगी भाई, घूमना है तो। खुशी तो काली हो जाएगी, गोरी तो थी नहीं वैसे भी, ना को पता नहीं, मैं और दिखने बंद हो जाएंगे थोड़े दिन इनको दिक्कत नहीं होती, मेरे को और वैभव को दिक्कत होती है क्योंकि हम धूप में 10 मिनट भी रह जाए ना चमकते नहीं हम। यार बहुत गलत बात है, 2-4 दिन में मैं दिखना बंद हो जाऊंगा। हितेश सर कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? अभी तुमने एंट्री किया ही नहीं, अभी हम टिकट ले रहे हैं, टिकट के बाद एंट्री करेंगे, फिर देखते हैं अंदर जहाँ तक आए वहाँ तक कैसा लगा। यहाँ तक तो अभी बस धूप लगी, धूप लगी क्या है, चलो भाई टिकट ले आए, अब हम जाएंगे एंट्री करेंगे। यार पता हमें क्या करना चाहिए था, अगर गाइस आप भी कभी आओ तो अपना स्टूडेंट कार्ड लेके आओ, इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, डिस्काउंट मिलेंगे। और बच्चों की तो एंट्री आई नहीं है, तो जबरदस्ती करवाई हमने, और किसी की तो फ्री में जाती है, सेकंड क्लास तक के बच्चों को फ्री एंट्री। हाँ छोटे शूज वालों को, 2 नंबर के शूज हैं, और जिनका शूज नंबर 3 नंबर से छोटा है, 3 है जिनका 3 नंबर से छोटा शूज आता है उनके लिए तो बिल्कुल फ्री है, और पैसे और देके बेचते हम लोग। इतनी धूप हो रही है गाइस, आप यकीन नहीं करो कि पता है हम कैसे जा रहे हैं, जैसे कोई गेम नहीं होता, यहाँ से वहाँ पास होना है पहले, फिर वहाँ से वहाँ, जहाँ भी छाया मिल जाती है वहाँ जाकर रुक जाते हैं। अभी हम एंट्री करते हैं, पेड़ मिला है, पेड़ के नीचे खड़े हैं, अब थोड़ी देर भी जाके वहाँ खड़े हो जाएंगे, फिर वहाँ खड़े हो जाएंगे। अभी लेवल लेवल पार करनी पड़ेगी वहाँ जाने के लिए, धीरे 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 धीरे, बट कोई नहीं पहुँच जाएंगे आराम से, शाम तक पहुँच जाएंगे, कोई जल्दी नहीं, 2 दिन बाद घूम लेंगे पूरा, मेरे बाल से ठीक है, थैंक यू, प्रॉब्लम रहते हैं। ये नहीं है भैया, ये नहीं है हमारे साथ, ये हमारे साथ भैया, कौन है भाई तू, मैं बताऊं कौन हूँ भाई। तो एंट्री करते ही ये चीज आया, ये बहुत प्यारा है ना, यहाँ पे दीवार और पेंट डिजाइन बनाए हुए हैं, ये बहुत प्यारा है। ये ना मुझे लग रहा है राजा वगैरह में
गाइस देखो जैसे कि बहुत अच्छी बनावट है इनकी, डिजाइन बहुत अच्छे हैं। ये राजा वाला बना है कि इंडियन लोग ने बनाया है? मतलब राजा तो इंडिया नहीं थे। हाँ वो इधर अलग से बनाया हुआ है डिजाइन, है ना? इतना पता होता तो मैं गाइड नहीं कर रहा था यहाँ पे सब। ये डिजाइन पता है अभी के नहीं बने हुए, ये ना जब महल बना था जब का, ये अंकल जी का कहना है। ठीक है अंकल जी, बस अंकल जी से गर्दन हिला रहे हैं। पुराने जमाने में और कुणाल भाई कह रहे हैं कि मैं भी ये डिजाइन सीखूंगा, अपने घर में बनाऊंगा। पता है इनका अभी तक कलर फेड भी नहीं हुआ, पता नहीं कैसा कलर था। मैं सोच रहा हूँ नितेश भाई के मुंह पे एक कलर करूंगा। नाइस गाइस, कभी कभार ये तो मजाक करते हैं। इसे यहाँ शीशा मिल गया फाइनली, और ये यहाँ मेकअप करने लग गई। मेकअप क्या पार्टी करने लग गई इसे, हर जगह शीशा मिल गया। चलो रेस्ट करते, 4 घंटे रेस्ट, हम 4 घंटे वेट कर रहे हैं बाहर। ठीक है ओके हो गया 4 घंटे हो गए। कुणाल भाई देखो वेट कर रहे हैं यार, बहुत चाहते हैं इसे। बहुत चाहते हैं तुझे, ये बहुत प्यारा लगा अभी तक का। हम ऐसा लगा गलियां में तू है कि नहीं। या या वेट, मुझे लग रहा है यहाँ पे जब युद्ध वगैरह होते थे ना, यहाँ पे सैनिक खड़े होते थे ना, ऐसा लग रहा है मुझे। मुझे प्रॉपर नहीं पता, यहाँ हर जगह खिड़की है, क्या पता यहाँ पे तोप वगैरह गोली वगैरह चलती हो। और ये बहुत लंबा है, अंदर भी कुछ है, देखते हैं। किले हैं यार, किले तो हमारे दिल्ली में भी है। ठीक है, अब जो लोग पहली बार आ रहे हो किले तो उनको अच्छा लगेगा। हम किले दिल्ली में सारे किले मैंने मोस्टली घूमा हुआ है, देखा हुआ है, इसलिए कुछ नया नहीं लग रहा है यहाँ पे मुझे। और बस यार ये सर दर्द छोड़ के चले गए मेरे भरोसे, ये सर में दर्द कर देगी। चलो देखो अरे कहां सर भाई खो गई, तो कुणाल भाई मुझे मारेंगे। ये खड़ी हो देखो यार, इसने सर में दर्द कर दिया मेरे। झूठ कह रहे हैं ना ये यार। कुणाल भाई कुणाल इसे लेके जाओ यहाँ से, कुणाल धक्का दे दूंगा इसको यहाँ से। कुणाल इसको लेके जाओ यहाँ से, सर में दर्द कर दे इसने, मेरे बड़े तो छोड़ के चले गए इसको, सर में दर्द कर देगी। देखो अब टॉप फ्लोर पे आए, अब यहाँ से देखो नजारा जयपुर का। जयपुर जाता हुआ ऐसे है ना, पूरा जयपुर दिख रहा है भाई। देखो ये भी छत भी बहुत अच्छी है टॉप पे। यहाँ से जयपुर बहुत ही सुंदर दिख रहा है, देखो बहुत प्यारा है। यहाँ पे मुझे लग रहा है शाम के टाइम और भी अच्छा लगता होगा, लेकिन शाम के टाइम एंट्री यहाँ पे बंद है। यहाँ से बहुत प्यारा लग रहा है, लेकिन धूप प्यारा के साथ साथ धूप भी बहुत है। तो मैं अभी नीचे जा रहा हूँ, वो दोनों कहाँ हैं? ये रहे नीचे रुको रुको मधुमक्खी बंद, ये रही पीछे पीछे उड़ी 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 आगे दोबारा बाल नीचे कर, बाल नीचे कर तेज से, पीछे 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 यार चुप रहो क्या है, अरे कान चुका हुआ है, कान नीचे। ये ले ला, मैं नहीं जा रहा, डर लग रहा है। खुशी के साथ प्रैंक हो गया, मजा आ गया। ये बड़ा बदौकी मधुमक्खी कब की चली गई। नाहरगढ़ किले में सबसे अच्छी लोकेशन हमें लगी है छत की, क्योंकि वहां से सारा जयपुर दिखता है। अंदर तो कुछ ज्यादा स्पेशल नहीं था, क्योंकि बस किले ही किले थे। नहीं गए छत पे ये भाई, नहीं गए, इनको ज्यादा धूप लगती है। हम जब से अंदर छिपे, हम तब से अंदर छिपे बैठे थे, अभी बाहर है। सब पुराना पेड़ है। अच्छा जी, तो इस किले में कुछ ज्यादा स्पेशल तो नहीं था, दिल्ली जैसा था, नॉर्मल कुछ नहीं था, बस किला था। बस सबसे अच्छी जगह लगी मुझे छत की, वो बहुत प्यारा था। और मैं आपको पेड़ दिखाता हूँ, कितने साल पुराना है? 25 साल कल लिखा है 25 साल मैं कह रहा हूँ ना,
ऐसा तू कह रहा है ये पागल बना रहा है हमारा। और हम आज राजस्थानी स्टाइल में खाना खाने वाले हैं। टोपी लगा, टोपी मेरी कहाँ है भाई? मेरी टोपी तुम्हें ना मिलेगी मेन में कैसे? यहाँ पे ना राजस्थानी स्टाइल में मतलब टोपी लगा के राजस्थानी खाना मिले यहाँ सब खाना है नहीं है टेस्ट ऐसा लग रहा है जो भी है जो स्टाइल है वो राजस्थान वाला भाई मेरे को तो खिलाओ एक मिनट ये थी छोड़ देंगे 10 रुपए तो दस रुपए दे पहले ब्रश में डालो कौन सा मीठा खट्टा दोनों पहले मीठा भाई साहब आए मीठा पानी ये भैया गोलगप्पे वाले हैं बहुत अच्छा गोलगप्पा एक मिनट खाने दो पानी खाने दो देते उसमें पहले खाने दो बाद में ना बस ये मैंने स्पेशल बनाया भाई आपके लिए भाई तो नेटवर्क नहीं आ रहा भाई को 10 रुपए मिलेंगे भाई ने बहुत अच्छा बोला 10 मिलेंगे मारूंगा इतने 20 मिलेंगे दोनों के 10 ले लियो 15 ले लेना 10 10 लेना ठीक है 15 10 लेना गोलगप्पे खाए खाड़ी खम्मा भाया ललाड़ो साहब मतलब पता नहीं मैंने सुना है बट खाड़ी खम्मा मतलब होता है नमस्ते शायद मुझे नहीं पता कौन सा खम्मा ग्रीटिंग कर देगा तुम्हें तुम्हें नमस्ते कर दी करना लाइक नाउ खुश रहो बेटा और खाना खाने क्या कहते हैं राजस्थानी में खाना खा लो लेकिन अच्छी लगती है कभी ऐसा तो के मार रहे हैं तो कुछ नहीं पता क्या क्या बोल राजस्थानी भाषा बट मजा आ रहा है तो... और बाबा भूखा है जब से इसका मुंह देखो भूखा नहीं है मैंने बहुत खा लिया पेट भर गया ये एक गोलगप्पे में इसका पेट भर गया मैं आपने बहुत लाते खाई है बहुत लाते खाई एक वीडियो में लाते खाने वाले हैं आज क्या खाने वाले हैं भाई देखो ना मैंने ऑर्डर रखा था ना अभी गोलगप्पे ऑर्डर दिया तुमने ये भिंडी मसाला ढूंढ रहे हैं अभी हम जुगलबंदी करने वाले हैं चलो जुगलबंदी बाजी बजा सो गाइस बताना कौन अच्छा बजा रहा है ठीक है कमेंट करके बताना चल फेल फेल निकल 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 बस मेरी बारी ठीक है नहीं फेल चलो अभी कुछ गाना अब हमारा आ चुका है गोलगप्पे और हम बिल्कुल वेट नहीं करेंगे वीडियो बनाने का अभी गोलगप्पे खाने के बाद मिलते हैं सबसे प्यारी चीज है ये कुल्लड़ कुल्लड़ वाली चाय बहुत प्यारी चाय है सब अच्छा है बस मैंने अभी चाय पिया है और गोलगप्पे खाए दोनों पसंद आए गोलगप्पे खाए चाय पिए पाव भाजी खाए और डोसा खाया बस बस इतना खाया है अभी और सब चीज प्यारी है सब चीज अच्छी है यहाँ पे नाहरगढ़ घूम लिए यार ये बहुत बड़ा था अभी शायद हम जयगढ़ जाए बट रात हो चुकी है देखते हैं अगर ओपन होगा तो ही जाएंगे क्योंकि शाम को यहाँ पे मोस्टली चीजें बंद हो जाती हैं और गाइज आपको हम बता दें अभी हम प्लान कर रहे हैं उदयपुर का और अगर हम उदयपुर गए तो नेक्स्ट ब्लॉग होगा मेरे बेटे के चैनल पे वैसे आपको उदयपुर जाएंगे वहाँ भी अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने को मिलेंगे क्योंकि हम तो पहली बार जा रहे हैं पहले हम भी देखेंगे कैसा उदयपुर है क्योंकि सबने तारीफ ही की जयपुर की सबने तारीफ की थी जयपुर भी अच्छा है बट यहाँ पे उदयपुर भी बहुत अच्छा है तो अभी यहाँ से जयपुर से उदयपुर का प्लान बना रहे हैं और किले यहाँ से सीधे जयगढ़ जाएंगे तो ठीक है नहीं तो फिर सीधे उदयपुर निकलेंगे अभी और मॉर्निंग में आपको फिर मॉर्निंग में जहाँ भी जाएंगे उदयपुर वहाँ घूमेंगे तो हम ब्लॉग यहीं खत्म करते हैं अगर आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना कमेंट करना शेयर करना।